ऑनपैसिव का जो मेन वेबसाइट है ऑनपैसिव.com, उस पर यदि आप विजिट करना चाहेंगे तो अभी आप विजिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑनपैसिव वेब पोर्टल के होम पेज को इकोसिस्टम से लिंक कर दिया गया है, इकोसिस्टम से मर्ज कर दिया गया है, जिसके कारण जब भी कोई ऑनपैसिव वेब पोर्टल के होम पेज पर जाता है या फिर ऑनपैसिव.com वेब पोर्टल के होम पेज पर जाने का प्रयास करता है तो वह सीधा इकोसिस्टम के लॉगिन पेज पर चला जाता है या फिर इकोसिस्टम के डैशबोर्ड पर चला जाता है। और इसके बारे में यह बताया गया था कि ऑनपैसिव वेब पोर्टल को अभी रिक्रिएट किया जा रहा है, जिसके कारण ऑनपैसिव वेब पोर्टल के डोमेन नेम को इकोसिस्टम से लिंक कर दिया गया है, क्योंकि यदि ऑनपैसिव.com वेब पोर्टल के डोमेन नेम को इकोसिस्टम से मर्ज नहीं किया जाता है तो ऑनपैसिव.com वेब पोर्टल पर जाने वाला ट्रैफिक व्यर्थ हो जाएगा। और इसके बारे में यह बताया गया था कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो ऑनपैसिव.com वेब पोर्टल पर जाने के बाद वहां पर एरर नोटिफिकेशन दिखाई देता, वहां पर उस पेज पर एरर शो होता। इसलिए ऐसा करके ऑनपैसिव.com वेब पोर्टल पर जाने वाले ट्रैफिक को इकोसिस्टम में डाइवर्ट किया गया है। लेकिन आज मैं इसके बारे में एक बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ, जिसे देखने के बाद आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि ऑनपैसिव वेब पोर्टल के सिर्फ होम पेज के लिंक को ही इकोसिस्टम वेब पोर्टल में ऐड किया गया है, इकोसिस्टम वेब पोर्टल से मर्ज किया गया है, जिसके कारण जब भी कोई गूगल में या फिर अपने ब्राउजर के एड्रेस बार में onpassive.com टाइप करता है तो वह सीधा इकोसिस्टम के लॉगिन पेज पर चला जाता है या फिर इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में चला जाता है। वहीं onpassive.com वेब पोर्टल के होम पेज के अलावे किसी अन्य पेज को लिंक नहीं किया गया है, किसी अन्य पेज को इकोसिस्टम से मर्ज नहीं किया गया है। तो इसके कारण आप ऑनपैसिव वेब पोर्टल के होम पेज के अलावे अन्य पेज पर विजिट कर सकते हैं। तो यह सब कैसे होगा, चलिए बताते हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनपैसिव का जो मेन वेबसाइट है उसका प्रोडक्ट पेज ओपन है और यहाँ पर प्रोडक्ट का ऑप्शन सेलेक्ट है और यहाँ पर आप एड्रेस बार में देख सकते हैं लिखा हुआ है onpassive.com/product/। साथ ही इस पेज पर यहाँ ऑनपैसिव का लोगो लगा हुआ है, इसमें होम प्रोडक्ट अबाउट मीडिया सेंटर कॉन्टेक्ट अस का बटन दिया गया है और यहाँ पर रजिस्टर और लॉगिन का बटन दिया गया है, यहाँ पर आवर प्रोडक्ट लिखा हुआ है। और जब हम इसे नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करने के बाद नीचे में प्रोडक्ट का डिटेल दिखाई देने लगता है। साथ ही इस पेज पर नीचे में यहाँ पर पेमेंट का लोगो अभी भी लगा हुआ है। इसके अलावा जब हम अबाउट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ऑनपैसिव का अबाउट पेज ओपन हो जाता है। जब हम मीडिया सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ऑनपैसिव का मीडिया सेंटर पेज ओपन हो जाता है। वहीं जब हम कॉन्टेक्ट अस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑनपैसिव का कॉन्टेक्ट पेज ओपन हो जाता है। लेकिन ऑनपैसिव टेक्निकल टीम से संपर्क करने के लिए कोई फॉर्म फिल करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, बल्कि यहाँ पर एक ईमेल आईडी दर्शाया गया है। इसके अलावा जब हम रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद इस तरह का नोटिफिकेशन दिखाई देता है। जब हम लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद भी इस तरह का नोटिफिकेशन दिखाई देता है, जो नोटिफिकेशन पहले दिखाई देता था। लेकिन जब हम onpassive.com वेब पोर्टल के होम पेज पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद onpassive इकोसिस्टम ओपन हो जाएगा, onpassive इकोसिस्टम वेब पोर्टल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। मैंने होम पेज पर क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोसिस्टम का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। वहीं जब हम इसे बैक करते हैं तो फिर से कॉन्टेक्ट अस पेज पर आ गए हैं। तो आपने देखा किस तरह से ऑनपैसिव का जो मेन वेबसाइट है onpassive.com, उसके सिर्फ होम पेज को ही इकोसिस्टम से लिंक किया गया है, जिसके कारण गूगल में ऑनपैसिव सर्च करने के बाद onpassive.com वेब पोर्टल सर्च लिस्ट में आ जाता है। लेकिन जब हम उस सर्च लिस्ट पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद onpassive.com वेब पोर्टल का होम पेज खुलने के बजाय इकोसिस्टम का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है या फिर इकोसिस्टम का लॉगिन पेज ओपन हो जाता है।
तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।